मैंने तो सोचा था कि ये बहुत छोटा सा फंक्शन होगा, लेकिन लगता है लोहड़ी बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। रवि को जल्दी से यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट रात है। आज रवि मेरा होकर रहेगा। पता नहीं इन अस्पिटे यहाँ कहाँ से आ गया। अगर देओल परिवार और गरेवाल परिवार एक हो गया ना, तो देखना ये खड़ू सासू मैं सारा काम मुझसे करवाएंगे। ओहो, तो आप भी यहाँ प्रकट होगी। वेलकम जी। लगता है आज लोहड़ी का त्रिवेणी संगम है और आप भी आ गई, पति पत्नी। और वो पति पत्नी तो अंदर है, सौतन भी आ गई। आइए बताइए, एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? चलो मुझे सब। हेलो, क्या कहा तुमने अभी? हा? ये जो बकवास किया तुमने, क्या मतलब है इसका? सौतन कहा तुमने मुझे? किसकी सौतन हूं मैं? हा? तो क्या गलत कहा मैंने? हा? तुम्हें क्या लगता है मेरे वीर जी ने मुझे बताया नहीं होगा तुम्हारे और रवि में क्या चल रहा है? और वैसे भी तुम मेरे घर पे आने के जो बहाने ढूंढती रहती हो ना, दिखता नहीं है क्या? और तुम्हारा वो फल, तुम दोनों की जबान जरूरत से ज्यादा चलती है। मेरा और मेरी पावर का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है श्वेता। एक मिनट में तुम्हें और तुम्हारे भाई को बर्बाद कर सकती हूँ, समझी तुम? अरे आप तो मेरी बात का गुस्सा ही कर गई हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम शायद भूल गई, जिनके दिल में चोर होता है ना, वो औरों पर उंगलियां नहीं उठाया करते, और खासकर मुझ पर, निवेदिता लूथरा पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती तुमने अपने भाई के साथ मिलकर अपने घर वालों के खिलाफ, रवि के खिलाफ क्या क्या चालें चली हैं। उस साकेत की खबरी हो ना तुम, उसके गंदे इरादे पूरे करने के लिए तुमने अपने ससुराल वालों को धोखा दिया है, और एक बार नहीं बार बार। एक अगर मैं ये सारी बातें तुम्हारे घर वालों को जाकर बता दूं, तो जानती हो ना क्या होगा? तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देंगे वो। अरे आप मेरे बोलिए, मैं तो कुछ भी बड़बड़ कर देती हूँ, आप तो मेरी बात को बुरा ही मान लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब जब तुम मेरी असलियत जान चुकी हो, मेरे इरादे जान चुके, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी तुम। और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया या मेरे साथ किसी तरह की बेईमानी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगी। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आप फिक्र ना करें। गुड। हाय हाय रुपा, कितनी कमीनी और खतरनाक है ये औरत। अंकली मारी गई थी मेरी, जो मैंने इसके सामने मुंह खोल दिया। ये वीर जी के चक्कर में ना, मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। हाँ जी, मैं भी उनको बुला लेती हूँ, ठीक है। तुम ठीक तो तुम्हें लगी? तुम पहले नहीं थी, लेकिन हम बिल्कुल ठीक हूँ और आगे भी ठीक ही रहूंगी अगर तुम मेरे साथ हो। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारे साथ था देविका, और मैं अपनी जिंदगी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? गलती से जिंदगी के कुछ अनमोल पल बिखर गए थे हाथ से, तो आज मिलकर समेट लेते हैं इन पलों को। जी आप, आप कब आए जी? इतने सोने लग रहे हो जी, कितनी प्यारी ड्रेस पहनी है आपने जी। मुझे सच्ची बताओ, जब भी आप आते हो ना, तो फंक्शन में ना रौनक जैसी हो जाती है। ये जी लाइटें शाइटें सब फीकी पड़ जाती है जी आपके सामने। और जी आप भी अंदर आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी, इत्थे आ जाओ। Thank you.
साक्षी देखो ना इतना अच्छा लग रहा है वहां पर। क्या बात है रीजू, साक्षी की इतनी याद आ रही है कि आपको हर लड़की में साक्षी नजर आ रही है। कोई बात नहीं, दिखाइए मुझे, दिखाइए, क्या दिखाना चाहते थे आप साक्षी को? मुझे लगा कि तुम साक्षी। ओ, कोई प्राइवेट या पर्सनल बात होगी ना जो मुझे बता नहीं सकते। चलिए कोई बात, मैं ही आपकी साक्षी को बुला के लेके आती हूँ, फिर उसी से कह देना। नहीं मोंटी, नहीं, नजर हटा ले अपनी, अब तेरी शादी हो चुकी है साक्षी से, अब तेरा दिल किसी और के लिए धड़क नहीं सकता, ये गलत है मोंटी। अब तुझे अपने दिल में पल्लव के लिए जो भी फीलिंग्स है उनको मिटाना होगा, अब तुझे सिर्फ साक्षी के बारे में सोचना होगा। पल्लवी तेरी कभी हो नहीं सकती, मत देख उसे, मत सोच उसके बारे में। हेलो, कहाँ खोए हो? तुम्हारी नजर किसको ढूंढ रही है? कौन है वो? देखो मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी नजर किसी को ढूंढ रही थी, किसी की तरफ टिकी हुई थी, और अगर किसी औरत का पति किसी और औरत को देखे ना तो उसे अच्छे से पता चल जाता है, और बीवी को सबसे पहले पता चलता है, समझे? उसका सच बताओ, कहाँ देख रहे हो? नहीं साक्षी, मैं तो ऐसे अरे तुम तो डरे गए, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही देख रही थी और तुमने सच मान लिया। तुम्हारा चेहरा ना देखने लायक हो गया था, आईने में देखना चाहिए तुम्हें अपना चेहरा, 12 बज गए थे तुम्हारे चेहरे पे, सो क्यूट, तुम ना ऐसे हकलाते हुए ना बड़ी क्यूट लगते हो। वो सच्ची बात, भाई ने कुछ देर पहले मुझे बुला रहे थे तो मैं जरा मिल के आता हूँ, ठीक है? आ जाओ, और कोई लड़की पसंद आए ना तो बता देना। जा तुम। साक्षी कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं कर सकता मैं उसके साथ। आंटी कितना इनोसेंट, कितना क्यूट है यार। ऐसी बड़ा अच्छा लगा आवाज़ यार, तो सर सफर में तकलीफ तो नहीं हुई ना? आ जाओ जी, आ जाओ, पानी चलो छेती, ओ आ जा, आ जा जल्दी, आ जाओ जी सारे, आ जाओ चलो जी। अरे वाह, आ जाइए, ओ जी चाय जी सारे आ गए थे, लोड़ी पालते हैं, चलिए। हां 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 चलो चलो। ओ मंजू रानी, किथे तेरा पुत्र रवि ते उसकी वोटी, बुलाओ नानू, की नाज दी वोटी दा देखा? हां जी, हां बुलाओ नानू, मैं बुला पहली लोड़ी है उठा। हां जी हां जी हां जी, थैंक यू सर। आओ जी आओ 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 साईं जी, तेरी कौन? जिंदा रे पुत्र, जिंदा रे। ओए ओए तू कल्ला क्यों आया, तेरी वोटी किथे? चल लिया उसनू, पहली लोड़ी है उसकी। आप जी, मैं हुने बुला के लेके आया। और रुक सुन, हां जी, और तेरे छोटे भरा भरजाई नु भी बुला लिया, पहली लोड़ी है ना नादी, बुलाओ नानू भी। जी मैं हुने बुलांदा जी। आंटी जी, भाई साक्षी चाय जी बुला रहे। खुश रहो, खुशियां मानो, पुत सुहागनो, ते सारे बच्चे तुहाडे लगाने, जुग जुग जी पुत, जुग जुग जी। आजा पुत्र, जिंदा रहे, जिंदा रहे। भाई तुम लोगों की पहली लोड़ी है, तुम लोगों को लोड़ी का मतलब भी पता है? हाँ बोलो चाय जी, आप ही बता दो ना। मैं समझाती हूँ तुम लोगों को लोड़ी का मतलब क्या होता है। जिन लोगों का नवा नवा विवाह होता है उन लोगों के वास्ते तो लोड़ी बहुत ही बड़े मायने रखती है। पति जो है ना वो अपनी वोटी के साथ लोड़ी की पवित्र अग्नि जलाते हैं, और पति पत्नी दोनों एक दूजे का हाथ पकड़ के लोड़ी दी पवित्र अग्नि दी परिक्रमा लेंदे ने। पतियों और सुहागनों जरा ध्यान से सुन लो, व्याह करना तो आसान होता है लेकिन व्याह करके निभाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि भाई दो जिंदगियां अचानक जुड़ जाती है तो एक दूसरे को समझने में टाइम तो लगता है ना। पति की सोच अलग हो, वोटी की सोच अलग हो, एक दूसरे के साथ निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे वक्त पे
एक दूसरे पर विश्वास रखना वो जरूरी हो जाता है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जिंदगी में चलती रहती है, लेकिन झगड़ा आगे ना बढ़े ये देखना जरूरी होता है। अगर एक गुस्सा हो जाए तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, अगर एक नाराज हो जाए तो दूसरे को मना लेना चाहिए। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, पर पति पत्नी दे रिश्ते विच विश्वास रहना ही चाहिए। विश्वास कभी नहीं हटना चाहिए। चाय जी चले शुरू करें। देख नहीं रही हो मैं कितनी जरूरी बात कर रही हूँ उन लोगों के साथ, समझा रही हूँ लोहड़ी के मायने की होंदे ने। ओह गॉड, ये बुढ़िया इतना इरिटेट क्यों कर रही है? लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। मुझे रवि को यहाँ से जल्द लेकर जाना है। सच्चे मन से करना परिक्रमा, फिर देखना दुनिया का कोई भी आंधी तूफान तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुहाडा रिश्ता नहीं तोड़ सकता। रवि पुत्र मोंटी पुत्र चलो लोहड़ी पालो। जी चीचू एक दूसरे का हाथ पकड़ो ना, अभी चाय जी ने बोला ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा परिक्रमा करते टाइम। हाँ तो ये बात तो तुम दोनों के लिए भी है ना, तुम दोनों पकड़ो हाथ। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तुम्हें क्या बताऊं? तुमने मुझे ऑलमोस्ट पकड़ लिया था जब मैं पल्लवी को देख रहा था, तब से यह हाल है मेरा। क्या वो तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? मैं तुम्हारे इतने करीब हूं इसलिए तुम्हें? हाँ असर तो है, तुम्हारे हाथ से गुजर कर तुम्हारा प्यार जो लिपट गया है अब मेरे हाथ से। परिक्रमा शुरू करो। This is too much. ये रवि फेरे क्यों ले रहा है देविका के साथ? ये सब करने से तो दोनों और भी करीब हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरा रवि मेरे साथ चाहिए आज रात। विजी क्या कर रही हैं आप? आपका चेहरा आपका दिल बयां कर रहा है और आंखें आपकी जलन। वो क्या है ना, यहाँ की जो औरतें हैं ना बहुत तीखी तरार है, झट से जान जाएंगी आपके दिल में रवि के लिए क्या है। वैसे क्या है ना कि फेरे तो आपको लेने चाहिए थे ना, देखिए उसने कैसे देविका का हाथ पकड़ रखा है। मंजू आंटी को शक वक्त तो नहीं हो गया है? श्वेता जो बोल रही थी वो कहीं सच तो नहीं? ये निवेदिता के चेहरे पे मैंने जो देखा जलन तो नहीं है वो? हाय हाय,
जैसे उसको किसी बात का बुरा ही लग रहा है, लेकिन जलन है तो किस बात की है और वो किसके लिए है? छह महीने पहले भी हमने ऐसे ही फेरे लिए थे देविका, लेकिन उनसे हमारे रिश्ते को वो खुशी वो मजबूती नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। शायद इसीलिए, क्योंकि वो शादी मैंने भलाई के लिए की थी, लेकिन किया तो गलत ही था ना। लेकिन आज बात कुछ और है। आज मेरी देविका अपनी मर्जी से मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ फेरे ले रही है, इसलिए आज मैं उन सात फेरों के सात वचनों को फिर से दोहराऊंगा और अपना हर वचन निभाऊंगा। उस दिन जब पहली बार तुम्हारे साथ फेरे लिए थे, मुझे पता ही नहीं था कि वो तुम हो। इसीलिए आज इस पवित्र अग्नि के सामने मैं उन सात फेरों के वचन फिर से दोहराऊंगी रवि। और आज मैं अपने एक एक वचन में और कई सारे वचन भी जोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। हर पल एक नया वचन जागता है मेरे मन में। आज इस पहले फेरे के साथ मैं वचन लेती हूँ रवि, कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारे साथ चलती रहूंगी, तुम्हारा हाथ थाम कर, बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल, बिना किसी स्वार्थ के। देविका, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस जहां से उस जहां तक, धरती से आसमान तक, मैं सात जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। हाँ, पर तब सिर्फ हम दोनों नहीं होंगे, शायद हमारे बच्चे भी होंगे। ये चौथा फेरा तुम्हारे और मेरे प्यार के लिए देविका। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, इसे दूसरी औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं, बस तुम ही तुम रहोगी मेरे जीवन में। और इस पांचवे फेरे में मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा विश्वास करूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए रवि, लेकिन मैं अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। और इस फेरे के साथ मैं तुमसे वादा करता हूं देविका, कि मैं तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए जान लगा दूंगा मैं। जिंदगी से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, वो तुम्हारी हर विश मैं पूरी करूंगा देविका। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये प्यार नहीं हारेगा। हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, क्योंकि आज से अपनी हर सांस, अपनी जिंदगी का हर पल मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। कोई बात नहीं देविका, तुम्हें जितने फेरे लेने हैं ले लो। आज रात रवि मेरा होके रहेगा, फिर तुम्हारे इन फेरों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। नॉल डायमंड भी चढ़े सी डायमंड से अरे चिंता मस्त बहन जी, आपका गुस्सा आपके नाराजगी बिल्कुल जायज। मैं जानती हूँ हमारे बच्चों ने जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, बहुत गलत था, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, है भी तो हमारे जिगर के टुकड़े ही ना। सच कहूँ तो मैंने अपने बच्चों को माफ कर दिया, और आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे, आप भी बच्चों को माफ कर दीजिए। बहन जी, आज का दिन इतना पावन है, क्यों ना आज हम सारे गिले शिकवे सब कुछ भूल के सब कुछ अच्छा करते। माफ कर दीजिए उन्हें। ओ जी, आप ना अपने मुंह में ये शहद डालकर इतनी मिट्टी मिट्टी बातें मुझसे तो ना करिए। सब समझती हूँ मैं, ये जो शादी में स्यापा हुआ है ना, उसमें आपका भी हाथ है, वरना इतनी आसानी से आप बच्चों को माफ नहीं करती। मैं जानती हूँ इस वक्त आप नहीं, आपका गुस्सा बोल रहा है, लेकिन आप भी तो जानती है ना, बच्चे तो होते ही नादान हैं, छोटी मोटी गलतियां तो कर ही बैठते हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। प्लीज बेंच, माफ कर दीजिए अपने बच्चों को, भूल जाइए सारे गिले शिकवे,
मुझे आप ना अपनी ये नौटंकी बंद करिए। आपका क्या जाता है, ये सारा खेल तो आप ही लोगों का रचाया होया है। जी, ये आप क्या बोल रही हैं? कौन सा खेल? और जी, पहली बारी में अगर साक्षी और मोंटी की शादी हो जाती तो हमारी डिमांड भी पूरी हो जाती, देविका की सारी जायदाद हमें मिल जाती। उसने तो पेपर भी साइन कर दिए थे, लेकिन एंड में मोंटी चला गया तो उससे बहाना मिल गया जायदाद नहीं देने का। दहेज देने से बच गए आप लोग।